आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एक ओर जहां मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी को छिंदवाड़ा मॉडल से बेहतर बनाने के लिए उज्जवल बुधनी, शाइनिंग बुधनी के नाम पर करोड़ों खर्च करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दो मापूर बनकर तैयार हुए बॉक्स ब्रिज में दरारें दिखने लगी हैं। दरअसल पांडागांव सीप नदी पर बना हुआ मुख्य ब्रिज मार्च 2020 में क्षतिग्रस्त होने के बाद मुख्यमंत्री ने सितंबर में बॉक्स ब्रिज के लिए 3,74,00,000 की राशि स्वीकृत की थी, जिसके शुभारंभ को लेकर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर FIR दर्ज की गई थी, जिसके पश्चात विगत 6 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल लोकार्पण किया था, लेकिन इतने कम समय में ही सड़क उखड़ने लगी और बीच के कुछ स्थानों पर दरारें हैं, तो दोनों ओर बनी अप्रोच सड़कों पर भी गिट्टियां निकलने लगी हैं। भ्रष्टाचार इतना कि चंद महीनों में ही गुणवत्ता की पोल खुलने लगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जिला प्रवक्ता गोपाल शर्मा ने संबंधित विभाग के साथ सरकार को घेरते हुए कहा कि जो बॉक्स ब्रिज बना है उसकी ये हालत है, तो बाकी के क्षेत्र में भगवान ही लाज रखे। 3,74,00,000 लागत से बना ब्रिज, 2 महीने में इसमें कुछ कमियां पाई जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा मॉडल के प्रारूप को देखकर वैकल्पिक रूप में बुधनी विधानसभा क्षेत्र में 500 करोड़ का बुधनी मॉडल बनाना चाहते हैं, जिसका नारा उन्होंने दिया है शाइनिंग बुधनी, उज्ज्वल बुधनी। लेकिन जिस तरीके से आप इस बॉक्स ब्रिज को देखेंगे, बॉक्स ब्रिज में व्यापक पैमाने पर 2 महीने पश्चात ही पुल के इनॉग्रेशन के 2 महीने पश्चात ही व्यापक पैमाने पर गड्ढे होते हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है और क्षतिग्रस्त पुल के हालात को आप देखकर बता सकते हैं कि ऊंचे मकान और फीके पकवान मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ठेकेदार राजनेताओं के संरक्षण में किया निर्माण कार्य हो रहा है। अगर उनके कागज पर रोड बनाने की, विधानसभा को उज्ज्वल मॉडल शहर बनाने की, उज्ज्वल विधानसभा बनाने की अगर कोई योजना है, तो निश्चित तौर पर ऐसे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता लानी पड़ेगी, अन्यथा मुख्यमंत्री जी का सपना सपना मात्र बनता रहेगा। सर, पांडागांव में जैसे बॉक्स ब्रिज जो बनाया गया था, उसके अप्रोच रोड में कई जगह गड्ढे देखे जा रहे हैं, उसके बाद जो बॉक्स भी बना है उसमें भी कई दरारें हैं, तो क्या किया जा रहा है? मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया है, मैंने अभी SDO ब्रिज कॉर्पोरेशन को बोला है, वो भी जाकर चेक कर रहे हैं, आज ही चेक करवाते हैं उसको।